जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुफ्ती मोहम्मद सईद, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर हुई बात। प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे तो उसी वक्त हम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप लोगों के सामने रखेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शांति है मेरा सपना, लिहाजा पाकिस्तान से भी बातचीत जरूरी। बड़ा मुल्क है, इस मुल्क के एक हिस्से में अगर कोई तकलीफ है यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको हम हीलिंग टच देंगे। 1 मार्च को सुबह 11 बजे जम्मू में शपथ ग्रहण, सीएम पद की शपथ लेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, बीजेपी के निर्मल सिंह बनेंगे डिप्टी सीएम। सीएम के अलावा कुल 25 मंत्री लेंगे शपथ, बीजेपी कोटे से 12 और पीडीपी कोटे से 13 विधायक बनेंगे मंत्री। गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय चाहती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की ओर से बाली भगत, चौधरी लाल सिंह, अब्दुल गनी कोहली मंत्रिमंडल में, किश्तवाड़ के सुनील शर्मा भी बनेंगे मंत्री। भूमि अधिग्रहण पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा यूपीए के बिल में कई कमियां। वेंकैया नायडू का बयान, हमारी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को व्यवहारिक बनाने की कोशिश में, कांग्रेस से भी मांगा सुझाव। विषय को ध्यान में लेके हम उसमें परिवर्तन लाया, जो परिवर्तन हमने लाया उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी का सीनियर नेतृत्व चर्चा कर रहे विषय को। भूमि अधिग्रहण जो बिल है तो इसके बारे में हमने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले अपनी पार्टी का स्टैंड हाउस के अंदर हमने स्पष्ट कर दिया है। कुछ ही देर में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट सत्र से ठीक पहले 23 फरवरी को प्रणब मुखर्जी ने दोनों सदनों को किया था संबोधित। संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, देश की माली हालत की दिखी झलक, बजट से पहले आर्थिक सर्वे में दिखी आर्थिक नीतियों का खाका। केजरीवाल सरकार आज जारी कर सकती है भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन, शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक। कौशाम्बी में आज भी लगा केजरीवाल का जनता दरबार, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली के 14 अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर, गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर से हाथापाई से नाराज हैं डॉक्टर। दिल्ली के अशोका होटल में हुई मुलायम के पोते और लालू की बेटी की शादी, सियासी दिग्गजों का लगा तांता, शादी में शरीक होने खुद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर वधु को दिया आशीर्वाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शादी समारोह में हुए शामिल, प्रधानमंत्री और नीतीश ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलाया हाथ। वीआईपी मेहमानों की सूची में लालकृष्ण आडवाणी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बड़े बीजेपी नेता भी शामिल, गांधी परिवार की भी दिखी मौजूदगी, सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी शादी में हुए शरीक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत देश के कई सियासी दिग्गज बने लालू और मुलायम
के मेहमान जया बच्चन भी रही मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी सांसद पत्नी के अलावा यूपी के कई दिग्गज मंत्री रहे मौजूद। पूरे धूम धड़ाके और नाच गाने के साथ अशोका होटल पहुंची तेज प्रताप की बारात। मेहमानों और परिजनों ने जमकर किया डांस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया पहला बजट। यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं, बढ़ावा भी नहीं। नई ट्रेनों की उम्मीद पालने वालों को झटका। रेल मंत्री ने बजट भाषण में किसी भी नई ट्रेन का नहीं किया ऐलान। रेल बजट में सुरक्षा पर जोर। दो नए टोल फ्री नंबर जारी। सुरक्षा के लिए 182, शिकायतों के लिए 138 टोल फ्री नंबर की सुविधा। महिला सुरक्षा पर प्रभु ने दिया खासा जोर। चुनिंदा ट्रेन के महिला डिब्बों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बजट में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। यात्री सुविधाओं के लिए 67% ज्यादा फंड। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन किए हुए सीढ़ी बनेंगी। सीनियर सिटीजन को निचली बर्थ देने का होगा प्रयास। स्टेशन पर विकलांगों को व्हीलचेयर मिलेगी। मुख्य स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण होगा। स्वचालित सीढ़ियों के लिए बजट में 180 करोड़ रुपए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी। संजीव चतुर्वेदी की जगह 3 अधिकारियों का केंद्र ने दिया था चुनाव के लिए पैनल। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने तीनों नाम किए खारिज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली पहुंचे यादव, आज राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। हरियाणा में अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी भगवद गीता। कौन कौन से श्लोक पाठ्यक्रम में हो सकते हैं शामिल, इस पर खट्टर सरकार ने एमसीईआरटी से मांगे सुझाव। कांग्रेस ने शिक्षा के भगवाकरण का लगाया आरोप। हरियाणा के रोहतक में एक मॉल के गार्ड की बेरहमी से हत्या। आधा दर्जन नौजवानों ने पीट पीट कर मार डाला। मर्डर की वजह का पता नहीं। हावड़ा में एक महिला ने टैक्सी ड्राइवर को पीटा। महिला का आरोप, ड्राइवर ने की बदसलूकी। पुलिस ने किया ड्राइवर को गिरफ्तार। बीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया के उड़ीसा के कंधमाल जाने पर लगी रोक। 28 फरवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन में उन्हें होना था शामिल। सिरसा से दिल्ली जाने वाली तिलक ब्रिज ट्रेन के दो डब्बे पटरी से उतरे। सुबह 6 बजे हुआ हादसा, जान माल का नुकसान नहीं। दिल्ली में फिर रफ्तार का कहर। पुलिस मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पर सड़क हादसा। सड़क किनारे पलटी कार, दो जख्मी। मराठी भाषा दिवस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का बवाल। ठाणे में अंग्रेजी में लिखे दुकान के बोर्ड पर पोती कालिक।